अगर आप और मोरेकई अजहर खान की आदत के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब तो इस घर की हवेली से बाहर कदम रखते हुए भी खौफ महसूस होने लगता है। जो सानिया हम सबके साथ गुजरा है उसके बाद तो सबका यही हाल है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा सानिहा नगमा थी, है और रहेगी, जिसकी आस में, जिसे अपनाने की उम्मीद में मुझे मेरे वालदैन के यहां एक भूली बिसरी याद की तरह छोड़ा है। नगमा के घर रिश्ता भेजने की बातें, घर वालों से नाराजगी और मेरी गैरहाजिरी में घर छोड़कर चले जाना, क्या था ये सब? बताइए क्या था ये सब? एक औरत अपनी घर गृहस्थी की खातिर किस हद तक जा सकती है इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है। बस इस बात की खुशी है मुझे कि जिस चौखट पर खड़े होकर आपने बड़े गरूर से नगमा को अपनाने का दावा किया था, आज वही चौखट वापस आपको मेरा बनते हुए देख रही है। बाबा जान ने आपको मायूस कर दिया है। अगर मैं अपने सीने में तुम्हारी पुरानी मोहब्बतों के दाग रख कर तुम्हें बर्दाश्त कर सकता हूं तो नगमा को हासिल करने के लिए मैं कुछ देर सब्र और भी कर सकता हूं। और रह गई बाबा की बात तो लाला मुझे यहां इस शर्त पर लेकर आए थे कि वो मलालई की शादी के बाद बाबा से मेरी और नगमा की शादी की बात करेंगे। बदरुद्दीन, जाओ कोई चाय ठंडा लेकर आओ। जी खान। दिल में एक और जख्म बनने लगा था और वो भी तुम्हारे खिलाफ। क्या मतलब मेरे भाई, मैं समझा नहीं। हमारी सारी प्लानिंग फेल हो गई। जैसा हमने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस खुशकियार ने शादी में खंजर से शावेज को मारने के बजाय मुझ पर गन से हमला कर दिया। उस वक्त मेरी नजर उस पर ना पड़ती या मेरे पास मेरी अपनी गन ना होती तो खुशकियार या शावेज के बजाय मेरी अपनी लाश सैकड़ों लोगों के दरमियान पड़ी रहती। और तुम ऐन मौके पर गायब होकर अपनी असलियत दिखा गए। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैं कहां गायब हुआ बिरादर? मैं गायब नहीं हुआ। और बाकी बात रही मेरी असलियत की, तो शावेज की मौत ने मेरी असलियत साबित कर दी। मेरी जान, तुम्हें तो उस वक्त अपने जान के लाले पड़े हुए थे, मगर जरा सोचो मेरे दोस्त कि शावेज कैसे, किस तरह और किसकी गोली से मरा। मैंने मैंने ऐन वक्त पर अल्टरनेट प्लान का बंदोबस्त किया। पूछो कैसे? और बाकी बात रही खुशकियार की, अगर मुझे वक्त से पहले उसके मंसूबे के बारे में इल्म होता पर एक गोली का वार काफी था उसके लिए। पर
मैं तो कहता हूं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुमने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। खुशी की बात तो यह है कि मेरी और तुम्हारी तरफ किसी का कोई शक नहीं आ रहा। सर अब दो ही सूरतें बनती हैं, या तो केस अपनी मुद्दियत में दर्ज किया जाए या फिर दर्ज ही ना किया जाए। दूसरी वाली बात एक ना अहल ऑफिसर ही कह सकता है, और मैं तुम्हें यह खिताब देने का हरगिज रवादार नहीं हूं। सर मेरे बार बार दोनों फरीकों से रابطے के बावजूद कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए आमादा नहीं और ना कोई मालूमात देने के लिए तैयार है। मिस्टर उमर, डू यू नो एफआईआर की ताखीर केस की नवियत पर कितनी असरअंदाज हो सकती है? मैं जानता हूं सर, लेकिन तुम्हारे मुंह से मायूसी की बातें सुनकर लगता है कि तुम खुद भी किसी मसलियत का शिकार हो गए हो। कैसी मसलियत सर? एफआईआर का कहो, उनके फायदे की बात करो तो वो लड़ने मारने पर आमादा हो जाते। बकौल मुदिया, एक पागल शादी की तकरीब में आया, फायरिंग की, एक हलाक और एक जख्मी हुआ, और कातिल हक के हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत मारा गया और बस। दो कैजुअलिटीज हो और तुम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहो। तुम केस अपनी मौदियत में दर्ज करके रोजनामचा आगे चलाओ और अपने तौर पे तफ्तीश जारी रखो। ये एक अहम केस है। एंड आई नीड प्रोग्रेस ऑन डेली बेसिस। इट्स इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। एफआईआर दर्ज होने के बाद केस में पेशरफ की जरूरत होती है, जिसकी मुझे उम्मीद कहीं से नजर नहीं आ रही। ये एक अहम केस है। एंड आई नीड प्रोग्रेस ऑन डेली बेसिस। फैसला कर लिया कि शादी में शरीक तमाम अफराद को शामिल तफ्तीश करके एफआईआर दर्ज कर ही लेता हूं। तो क्या सरदार संदल खान, मलिक खालिक, मलिक हसन, अजहर जैसे बड़े बड़ों से तफ्तीश करेंगे? उन्हें थाने बुलाएंगे क्या? हाँ, उन्हें जरूर बुलाएंगे। और अगर वो लोग नहीं आए पर ये आप क्या कर रहे हो? थाने को थाला लगवाना है क्या? देखिए नासिर खान, चाहे कुछ भी हो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, लेवी स्थाना मुख्तार आबाद।
क्या मैं तहसीलदार साहब से बात कर सकती हूँ? सर आपका फोन। तहसीलदार उमर स्पीकिंग। तहसीलदार साहब, मैं दोहरे कत्ल केस में शहीद होने वाले शावेज खान की बेवा बात कर रही हूँ। आपका नाम? फिलहाल आप ही रहने दें। मैं नहायत ही रिस्क लेकर आपको फोन कर रही हूँ। मैं शावेज कत्ल केस में आपकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर आप फौरन थाने आ जाइए। नहीं, मैं थाने नहीं आ सकती, मेरी मजबूरी है। तो फिर आप कैसे मुझसे तावुन कर पाएंगी? सेल फोन के जरिए। तो क्या आप समझती है कि आपके शौहर के कातिल जिंदा है? अगर कातिल जिंदा नहीं तो कत्ल पर उभारने वाले जरूर जिंदा होंगे, मेरा दिल कहता है। देखिए मैडम, ये तफ्तीश है, तफ्तीश। जो भी शख्स मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में आता है, उसकी गुनाही बेगुनाही उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। इसलिए यहाँ दिल नहीं, सबूत के मामला चलते हैं। मैं आपको सबूत देने के लिए तैयार हूँ। कैसा सबूत? ना सिर्फ सबूत बल्कि अपने शौहर की कत्ल की FIR भी दर्ज करवाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझे अपने घर वालों से और कुछ बाहर वालों से जान का खतरा है। मैं उनकी नोटिस में लाए बगैर अपनी शनाख्त छुपाते हुए अपने मकतूल शौहर शावेज खान की कत्ल का केस लड़ना चाहती हूँ। क्या आप इस सिलसिले में मेरी मदद करेंगे? देखिए मैडम, मेरी कुछ कानूनी मजबूरियां हैं। एनीहाउ, आप मजलूम हैं और मैं आपसे पूरी मदद करूंगा, और आपकी शिनाख्त और मालूमात को भी खुफिया रखने की वादा करता हूं। बस आप FIR जल्दी से दर्ज कराएं। शावेज की मौत से कुछ दिन कबल खुशकियार को किसी ने अच्छी खासी रकम दी थी, जिससे वो असला डीलर से गन खरीदने भी गया था। क्या आप उसका नाम बता सकती हैं? बहराम खान। जी बहराम खान। नसर खान, नफरी उठा कर जाओ और फौरन बहराम खान को उठा कर ले आओ, असली डीलर जो है। ओके सर। थैंक यू बेटा। बेजुबान।